हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टॉक मार्केट 099 में। जैसा कि आप देख रहे हैं दोस्तों कि हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं आईआरएफसी, ठीक है, आईआरएफसी और आरबीएनएल दोनों के बारे में बात करेंगे। तो आईआरएफसी जो है वो डे कैंडल पे हम लोग एनालिसिस करेंगे। बहुत लोग जो है वो टॉप पे फंसे हुए हैं और वेट कर रहे हैं एक बढ़िया एनालिसिस का कि कोई भी आए यूट्यूब पर और बताए कि बढ़िया एनालिसिस इसका क्या हो सकता है, क्या इसका पैसा जिन लोगों का फंसा हुआ है वो रिकवरी होगा या फिर लॉस में बेच के निकल जाना चाहिए। ये सारा डिटेल हम यहाँ पे देने वाले हैं। आईआरएफसी भी देखेंगे और इस वीडियो के बाद हम लोग इसी वीडियो में इंड में देखेंगे आरबीएनएल के बारे में भी, ठीक है। तो ये दोनों रेलवे स्टॉक्स है, रेलवे स्टॉक्स का ये दोनों के बारे में हम लोग यहाँ पे डिस्कशन करने वाले हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ओवरऑल दोस्तों की हाई से हमारा करेक्शन कितना आ चुका है। सबसे पहले वो देख लेते हैं। हाई हमारा ये है, हाई से जो करेक्शन आ चुका है वो 38.5% का लगभग लगभग आ चुका है। यानी कि आप देखेंगे तो यहाँ से ये हमारा हाई था, हाई से करेक्शन होते गया होते गया होते गया ये 38% यानी कि 88.40% यहाँ पे करेक्शन आ चुका है। अब क्या करना है इसमें वो हम लोग यहाँ पे देखेंगे, ठीक है। तो जो लोग यहाँ पे आईआरसी में फंसे हैं वो लोग गौर से इस वीडियो को देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। आपके आपका बहुत मदद यहाँ से मिलने वाला है। तो अगर लॉन्ग टर्म आपका व्यू है दोस्तों 5 साल 6 साल 8 साल के लिए, तो आप होल्ड रख सकते हैं। जो लोग स्कैल्पिंग के लिए लेते हैं और वो फंसे हुए हैं उनके लिए तो ये वीडियो बहुत अच्छा काम आने वाला है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों कि अभी आईआरएफसी में गिरावट कंटिन्यू है, ऐसा कहीं भी फेज हमको नहीं दिख रहा है, ठीक है। यहाँ से मार्केट गिरा, यहाँ पे थोड़ा सा पॉज लिया, फिर यहाँ से डाउन आया, पॉज लिया, फिर डाउन आया, फिर यहाँ पे पॉज लेते हुए दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो रिजेक्शन बहुत जगह से, हर लेवल से मार्केट को रिजेक्शन आते हुए दिखाई दे रहा है आईआरएफसी को, ठीक है। हर लेवल से रिजेक्शन आते हुए आपको दिखाई दे रहा है। तो मेरे को लग रहा है दोस्तों आने वाले समय में अगर ये लेवल ब्रेक होता है ना, तो इसके लिए बहुत वर्स्ट थिंग्स होने वाला है आईआरएफसी के लिए। और ये लेवल ब्रेक होने के बाद जो है वो मार्केट यानी कि आईआरएफसी बहुत नीचे आने वाला है, ठीक है, बहुत डाउन आने वाला है। तो ये लेवल बहुत अच्छा सपोर्ट का काम करना चाहिए, क्योंकि यहाँ से आप एक बहुत अच्छा बाइंग देखने को मिला था। तो लगा था कि मार्केट में बायर्स जो है वो एक्टिवेट यहाँ पे हो रहे हैं, लेकिन यहाँ पे एक्टिवेट जो है बायर्स नहीं संभाल पाए, यहाँ पे सेलर्स का पकड़ फिर से आ गया और ये यहाँ पे गिराते हुए जा रहे हैं। यहाँ पे अभी देखेंगे तो लास्ट फ्राइडे को यहाँ पे एक हैमर इन्वर्टेड बनते हुए दिखाई दिया है छोटा सा। अगर कल के दिन यानी कि मंडे के दिन एक बड़ा ग्रीन कैंडल यहाँ पे देता है तो वेल एंड गुड रहेगा, रिकवरी का चांस रहेगा, ठीक है। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर ये लेवल भी टूटते हुए आपको नजर आएगा, ब्रेक होते हुए नजर आएगा, जो कि है 141 का लेवल। अगर 141 का लेवल ब्रेक हो जाता है तो आईआरएफसी को आप देख सकते हैं यहाँ पे 132 के आसपास। अगर ये भी लेवल ब्रेक होता है तो फिर आप इसको देख सकते हैं 123 के आसपास। 123 जो है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग सपोर्ट आएगा निकल के आईआरएफसी के लिए। उसके पहले का एक सपोर्ट आ रहा है 132, और फिलहाल के लिए जो सपोर्ट है एकदम नजदीक में वो है 141, ठीक है दोस्तों। तो ये है डे कैंडल पे, इसलिए मैं एनालिसिस कर रहा हूँ कि आईआरएफसी को बहुत लोग लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना चाहते हैं उनके लिए भी ये वीडियो है, ठीक है। जो लोग स्कैल्पिंग में फंसे हैं उनके लिए भी है। तो यहाँ पे अगर इसके नीचे आता है तो मैं यहाँ पे बोलूंगा कि जो लोग स्कैल्पिंग में फंसे हैं वो तो यहाँ से निकल जाए। डेफिनेटली 141 के नीचे आपको फिर 123 तक देखने को मिलेगा। अगर 141 सपोर्ट ले लेता है फिर से, ठीक है, डबल बॉटम टेस्ट जो बोलते हैं अगर वो होता है यहाँ पे टेस्ट करके ऊपर निकलता है तो यहाँ पे रिकवरी के चांसेस रहेगा। लेकिन कब रहेगा, जब मार्केट यहाँ से रिकवरी लेकर के इस लाइन से रिकवरी लेकर के इसके ऊपर ना निकल जाए। जब तक इसके ऊपर ना निकल जाता है तब तक कोई रिकवरी का चांस नहीं रहेगा। यानी कि ये जो लेवल है बहुत हाई रेजिस्टेंस है इसके लिए, 155 से लेके 156 तक इसको मान के चल सकते हैं। इसके ऊपर जैसे ही निकल जाता है यहाँ पे 156 के ऊपर, तो हमारा जो टारगेट रहेगा 164 का पहला टारगेट। सेकेंड टारगेट बहुत बड़ा आ रहा है दोस्तों, तो इस पर नजर जरूर रखिएगा। सेकेंड टारगेट 180 तक का आपको निकल के आ रहा है, ठीक है। तो जो लोग फंसे होंगे मेरे ख्याल से इसी रेंज में फंसे होंगे, ये जो रेंज था इसी रेंज में फंसे होंगे, तो वो लोग आसानी से यहाँ पे निकल जाएंगे। पहले वेट करें 155 का क्रॉस करने का, ठीक है। सॉरी दोस्तों, थोड़ा सा तबीयत भी खराब है। तो ये ले सकते हैं आप यहाँ पे, ठीक है। आसानी से आपको जो है इस लेवल तक का आपको यहाँ पे टारगेट मिलेगा। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है और इस लाइन से लेकर के इस लाइन के बीच में मार्केट रहता है तो वेट एंड वॉच करना है। बायर्स को भी, जो लोग नया बाई करना चाहते हैं वो लोग 155 के ऊपर बाई कर सकते हैं। जो लोग फंसे हैं वो लोग 141 के नीचे यहाँ पे निकल सकते हैं, ठीक है।
और जो लोग अभी बाई करना चाहते हैं, एकदम चाहते हैं कि बहुत नीचे मिल रहा है, बहुत सस्ता मिल रहा है, तो वो लोग थोड़ा वेट कर ले, 155 के ऊपर ही बाई करें। क्योंकि अगर आप यहाँ पे बाई करेंगे क्या होगा, 141 ब्रेक करके मार्केट और नीचे जाने का चांसेस है, ठीक है, 132 तक जाने का चांसेस है। इसलिए वेट कर लो और देख लो कि ये रेंज को, ये रेंज में फंसा हुआ है ना अभी, ये रेंज में, तो ये रेंज निकलने दो। ये या तो इसके ऊपर निकलता है तो बाई करना है, या तो इसके नीचे आपको सेल करना है, ठीक है। इसके नीचे आप सेल भी कर सकते हैं इसको, और इसके ऊपर बाई भी कर सकते हैं, ठीक है। तो बहुत अच्छा रेंज है अभी IRFC के लिए। मैंने टारगेट बता दिया 180, और 180 को भी निकाल देता है तो फिर क्या ही कहना है दोस्तों, यहाँ तक आप जा सकते हैं, इस लेवल तक जा सकते हैं जो कि है 200 तक का लेवल, ठीक है, IRFC में। लेकिन फिलहाल के लिए अभी गिरावट है यहाँ पे, ये चैनल अभी ब्रेक नहीं हुआ है, गिरावट वाला। ये चैनल ब्रेक करने के लिए इसको 155 से ऊपर सस्टेन करना होगा IRFC को, तभी ये जो है यहाँ पे, ये जो रिवर्सल पैटर्न होता है, ये यहाँ पे एक्टिवेट होते हुए दिखाई देगा। अदरवाइज यहीं पर फंसे रहना होगा जो लोग बाई कर चुके हैं, और जो लोग निकलना चाहते हैं वो लोग 141 के नीचे वेट ना करें, निकल जाए, क्योंकि 123 फिर आपको देखना पड़ेगा। चलिए अब बात कर लेते हैं IRFC के बाद RVNL। RVNL में भी बहुत लोग फंसे हुए हैं, क्योंकि ये दोनों स्टॉक बहुत जोरों शोर से ट्रेंड में था एक समय में। आप उस ट्रेंड का यहाँ पे नजारा भी देख सकते हैं, डेकेंडल पे कंटिन्यू यहाँ से जो है इसमें यहाँ पे मूव देखने को मिला था, ठीक है। तो अब क्या हो रहा है कि कंटिन्यू जो है RVNL में भी गिरावट देखने को मिल रहा है। RVNL टॉप से कितना गिर चुका है, कितना डाउन आ चुका है, ये हम लोग देख लेते हैं सबसे पहले। तो इसमें भी दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं कि 35% का गिरावट, मतलब करेक्शन हो चुका है, ठीक है। तो अभी भी उम्मीद है इसमें, क्यों उम्मीद है, क्योंकि एक चैनल में फंसा हुआ है। चलिए हम लोग देख लेते हैं वो चैनल क्या है। आप यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों कि ये ब्लू लाइन से लेकर के ये जो हमारा चेक बॉक्स है, इसके अंदर अभी ये जो है IRFC फंस के चल रहा है काफी दिनों से। यहाँ पे देखेंगे तो 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 दिनों से जो है इसी चैनल में फंसते हुए IRFC दिखाई दे रहा है। तो ओवरऑल मैं एक ही चीज बोलूंगा दोस्तों कि ये इसके ऊपर निकलेगा तभी आप यहाँ पे बाई करने का सोचे, 515 के ऊपर, अदरवाइज वेट एंड वॉच करें, क्योंकि यहाँ से और गिरावट देखने को मिलेगा। अगर ये जो एक सपोर्ट आ रहा है, छोटा सपोर्ट है, इसको ज्यादा अच्छा सपोर्ट नहीं लेके चलेंगे, जो कि है 465। 465 के नीचे जैसे ही मार्केट आता है तो अब आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा 426, ठीक है, ये जो लो है। अगर इसको भी ब्रेक करता है तो फिर हम लोग को देखने मिलेगा 383। अगर इसको भी ब्रेक करेगा तो फिर हम लोग आएंगे 323। ये तीन लेवल जो है दोस्तों वो बैक टू बैक आपको देखने को मिल सकता है IRFC में, सॉरी RVNL में। लेकिन उससे पहले ये चैनल में आपको बाई और सेल नहीं करना है, वेट एंड वॉच करना है। जब तक इसके अंदर है तब तक आपको नहीं देखना है। अगर आप इसके नीचे सेल करके चलते हैं तो दोस्तों तो हर लेवल पे आप प्रॉफिट बुक करते रहे, ठीक है। स्टॉक मार्केट है, कुछ भी हो सकता है, कभी भी कुछ न्यूज आ सकता है, इसलिए प्रॉफिट लेते चलना है। अगर आपको प्रॉफिट हो रहा है तो वेट नहीं करना है, अगर इसके नीचे आता है तो यहाँ पे आप ले सकते हैं, प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। जो लोग लॉन्ग टर्म सोच रहे हैं 5 साल 10 साल के लिए, वो लोग के लिए अच्छा मौका है, धीरे धीरे करके यहाँ पे एक्युमुलेट करते रहे इसको, ठीक है। हर लेवल पे जो है, जो जो मैंने लेवल बताया है, यहाँ पर आप करके यहाँ पे पैसा डालो, फिर यहाँ डालो, फिर यहाँ डालो, ऐसे करके इसको बाई करते हुए चलो, ठीक है। लॉन्ग टर्म के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन अभी फिलहाल इसका जो स्थिति है वो आपके सामने है, ठीक है। लॉन्ग टर्म इसको अच्छा सपोर्ट मिलने वाला है गवर्नमेंट के साइड से, तो जब तक इसके ऊपर नहीं निकल जाता है 515 के लिए, स्कैल्पिंग के लिए इसके अंदर अभी सोचना भी मत। और नीचे की तरफ जो है मैंने लेवल आपको बता दिया, ठीक है। तो अगर इसके ऊपर निकलता है तो पहला टारगेट 550, दूसरा टारगेट 602 का आसानी से आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। 602, 602। तो ये है ओवरऑल हमारा IRFC और RVNL। वीडियो अच्छा लगा दोस्तों तो कमेंट करके जरूर बताएं, और आपको क्या लगता है RVNL और IRFC के बारे में वो कमेंट करके जरूर बताएं, ठीक है। उस पर भी हम लोग गौर करेंगे। और किसी स्टॉक के बारे में आप जानना चाहते हैं, एनालिसिस लेना चाहते हैं, तो उस स्टॉक का नाम जरूर लिखेंगे हैशटैग के साथ, ताकि उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर कर पाए, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।